हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है स्लेटर रूल। बट अगर आपको स्लेटर रूल के बारे में अगर कुछ समझना है तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, जो आपके पास रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट ईयर में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसको भी मैं कवर करने वाला हूँ, उसको थोड़ा टाइम बाद कवर करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे मूव करता जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाए। अभी के लिए मैं आपके पास दो टॉपिक्स अभी कवर करने वाला हूँ। अभी आपके पास जो यूनिट है उसका आपके पास जो स्लेटर रूल है उसको कम्प्लीट करूंगा। उसके बाद आपके पास जो सेकेंड आपके पास पार्ट जो ऑर्गेनिक की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका भी आपके पास यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बच्चों में वहां पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो हम उसको भी साथ में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हम करते हैं स्लेटर रूल। तो स्लेटर रूल के लिए मैंने बोल दिया आपको कि क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करूं मैं, तो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कि आपके पास एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने बाहर देखिए एक स्ट्रक्चर आपके पास, एक पिक्चर आपके पास शेयर की है। ठीक है, इस पिक्चर में आप देखिए, आपके पास इस डायग्राम में आप देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर है। मैं अभी सिर्फ बोहर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट फिजिबल कि अभी आपके पास मैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को उसको डिस्कस करूं। तो यहाँ पे मैंने बोहर एटॉमिक मॉडल ही लेके यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आपको पता है यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, न्यूक्लियस उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्योंकि आपके पास क्या है वहां पे अपोजिट चार्जेस हैं। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है नेगेटिव है। तो आपके पास कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें एग्जिस्ट करने वाली है, तो मींस टू से वो आपके पास एक डेफिनेट फोर्स एग्जिस्ट मतलब एग्जर्ट करेगा। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो मींस टू से आपके पास, इसी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आपके पास एक्चुअल फोर्स एग्जर्टेड बाय द न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन और आपके पास एक्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उस फोर्स की बात कर रहा हूं, उस एक्सटेंट की बात कर रहा हूं, उसी को मैं क्या कहता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट प्रॉब्लम इज हियर इज दैट, क्या प्रॉब्लम होगी हमारे पास कि एक्चुअल में अगर आपके पास मैं नोटिस करूंगा यहाँ पे इनर जो आपके पास 1s में इलेक्ट्रॉन है उसकी तो मैं चलो बात मान लिया, पर 1s के बाद अगर 1s2 की बात करता हूँ, 2s2 की बात करता हूँ, 2p की बात करता हूँ, तो उसमें भी आपके पास क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब मेरे पास सिस्टम हो सकता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इन दैट केस ऐसा होता है तो होता क्या है कि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं वो लेसर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है वो एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, लेसर करेंगे। ठीक है, तो मतलब आपके पास उस टाइम जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कुछ डिफरेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, वो आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके पास वो वहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है न्यूक्लियस किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। या आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है जो फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स एग्जिस्ट मतलब एक्सपीरियंस करेंगे, उसी को क्या करूंगा कहूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो अब आपके पास मैंने यहाँ पे एक बात कही कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपके पास ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में जब इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता रहता है। मैं ये बात नहीं बोल रहा कि स्फेरिकली आपके पास सर्कुलरली वो मूव कर रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा आपके पास, मैं इतना बोल रहा हूँ कि इट इज मूविंग। अगर वो मूव कर रहा है तो मतलब आपके पास क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि एस ऑर्बिटल क्या होती है, स्फेरिकल, तो दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है वो क्या, न्यूक्लियस के अराउंड। अगर वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो मतलब कि जो आपके पास जो पॉजिटिव लाइन ऑफ फोर्सेज जो आपके पास न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है, या आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो आपके पास न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है। इनर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तक उस फोर्स को पहुंचने नहीं दे रहा, क्योंकि वहां पे क्या बना रहा है, शील्ड बना रहा है। जैसे कि अभी आपके पास देखिए, मैं डायग्राम भी शेयर किया है, इसमें इसने क्या बनाई हुई है, शील्ड बनाई हुई है क्या, जिसकी वजह से बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास मतलब जो नेट एक्सपीरियंस जो फोर्स है वो क्या आएगी, डिक्रीज आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। तो हुई किसकी वजह से? इस स्क्रीनिंग की वजह से। और स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। किसमें कर रहा है? ऑर्बिटल में कर रहा है। तो मिस टू से एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है। किसकी वजह से? इनर जो इलेक्ट्रॉन जब वो इनसाइड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से एक इफेक्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो मिस टू से अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये एक्चुअल में इफेक्ट किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, शील्ड बना रहा है, जिसके वजह से आपके पास जो बाहर का इलेक्ट्रॉन जो है वो नेट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज वन एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज वन तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा मुझे क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है क्या, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जेड स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो अभी मैं जेड इफेक्टिव अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो जेड इफेक्टिव जो होता है वो होता है आपके पास जेड माइनस क्या, एस। अब मैंने यहां पे जेड माइनस एस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जेड आपके पास हो गया आपके पास क्या, जो चार्ज ओवर द न्यूक्लियस है, चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज मतलब इसे मान लीजिए एक जो आपके पास कार्बन है, कार्बन में आपके पास एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6, तो अंदर भी प्रोटॉन कितने होंगे, 6, तो चार्ज एक्सपीरियंस कितना करेगा वो, 6, तो जो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू वहां भी क्या होगी, 6। तो मिस टू से दिस इज गिविंग अस जेड क्या दे रहा है आपको, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू दे रहा है। एंड माइनस मैंने क्या लिखा है, एस, तो एस मीन्स टू से आपके पास क्या है, दिस इज स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, जो आपके पास एक्सटेंट एक्सप्लेन करेगा कि कितनी यहाँ पे हमारे पास स्क्रीनिंग हो रही है, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितने अच्छे से क्या कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, उसको हम क्या किससे निकालते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट से निकालते हैं। और ये जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम, उसको किससे निकालते हैं, स्लेटर रूल से। तो स्लेटर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस रूल को दिया है। अच्छा, एक बात बतानी है मैंने आपको, जो भी मैं इस जो वीडियोज है उनमें जो टॉपिक्स में जो जो वर्ड्स में डिस्कस कर रहा हूँ उसको अच्छे से सुने, क्योंकि हर एक वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान से उन्हें सुने, ठीक है। और मेरी कोशिश भी ये है कि मैं वीडियोस को इतना सिंपलीफाइड वे में बनाऊं कि आपको कभी मुश्किल ना हो। हालांकि आपको बहुत मुश्किल, मुझे पता है इस चीज का कि आपको थोड़ा मुश्किल रहता होगा कि वीडियो से थोड़ा देख के आपको समझना, अगर आपको वीडियो से देख के समझना है तो आपको, मुझे पता है कि एक से दो बार या तीन बार आपको वीडियोस को बार बार पॉज करके या जैसे भी आपको देखना पड़ता है, बट वीडियोस की ये लिमिटेशंस हैं। इन क्लासरूम टीचिंग आप शायद एक बार में समझ जाते हैं। नेक्स्ट अब मेरी कोशिश ये है कि आप एक बार में समझ जाएं, तो चलिए देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंटेंट को थोड़ा और अच्छा बनाऊं और आगे बनाऊं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। मेरी कोशिश है कि और अच्छे में बनाऊँ वीडियोज, ठीक है। तो वो तभी बना पाऊंगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे या मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं स्लेटर रूल के बारे में। तो स्लेटर रूल में आपको बता दूं क्या, कि जो स्लेटर रूल है, दिस इज सेमी इंपेरिकल अप्रोच। सेमी इंपेरिकल अप्रोच मैंने वर्ड यहां पे यूज किया है, तो आपको समझ जाना है कि सेमी इंपेरिकल मतलब एक्चुअल में दिस इज नॉट कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ठीक है। कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल पे रिजल्ट्स पे मतलब बेस्ड नहीं है, समवट इसमें थ्योरेटिकल चीजें बहुत हमने यूटिलाइज की हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि सेमी एक्सपेरिमेंटल सॉरी सेमी इंपेरिकल आपके पास फॉर्म में ये डिराइव किया गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास मैं स्लेटर रूल की बात करता हूं, तो देयर आर 3 to 4 रूल्स, बेसिकली 4 to 5 रूल्स एक्चुअल में, काउंट करेंगे हम, लग जाएगा आपको पता कितने रूल्स हैं। अब यहां पे हमने क्या करना है, इन रूल्स को समझना है और स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है। और जब मैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मतलब अब आपके पास मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ इजिली। तो चलिए देखते हैं कि रूल क्या क्या है, तो डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स। तो ग्रुपिंग की सबसे पहले बात आएगी कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना है आपने कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग करते हैं, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या करते हैं, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। आपने अभी कुछ भी विजुलाइज करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब आपने सिर्फ जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करनी है, कि ये बस इतना बोला कि ग्रुपिंग तो ग्रुपिंग, बस उसके आगे नहीं जाना आपको, उसके बाद मैं आगे अपने आप बताता चलूंगा कि करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास मैंने कहा ग्रुपिंग,
तो ग्रुपिंग मतलब आपको क्या करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ग्रुप करना है आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। एक बात याद रखना है, जब मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करी तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास मैं लिखूंगा 1s, n की वैल्यू क्या है 1, अलग से ग्रुप कर दिया मैंने इसको, ब्रैकेट्स में लिख दिया 2s 2p, दोनों को मैंने ग्रुप कर दिया 2s और 2p को, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहां पे 2 है। उसके बाद 3s एंड 3p, n की वैल्यू डिफरेंट है, 3s एंड 3p और साथ में ब्रैकेट में। उसके बाद 3d को मैं अलग से लिख रहा हूं, उसका मैं रीजन बताता हूं थोड़ी देर में। 3d को क्या करता हूं, अलग से लिख रहा हूं, ठीक है, अलग ब्रैकेट में। उसके बाद आ गया आपके पास क्या 4s 4p, n की वैल्यू डिफरेंट है इसके लिए, ठीक है, तो आपके पास अलग है तो मतलब आपके पास ग्रुपिंग अलग होगी 4s और 4p ब्रैकेट में। उसके बाद आपके पास 4d ब्रैकेट में, 4fb ब्रैकेट में अलग ग्रुप। उसके बाद 5s 5s 5p जो है ब्रैकेट में आ गया, और उसके बाद क्या आ गया 5d अलग से आ गया, और आपके पास 5fb अलग से आ गया। तो मिस्टर से आपने ग्रुपिंग की है, तो आपके पास जो मैं ग्रुपिंग करूंगा तो ग्रुपिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। एंड एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था इस ग्रुपिंग के लिए वो ये दिया गया था कि क्या, कि जो s जो आपके d एंड और f ऑर्बिटल्स हैं उनकी ग्रुपिंग हमेशा सेपरेटली होती है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब सिंपल है कि क्या, जैसे कि आपके पास n के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे, वैसे ही आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके पास रूल दिया गया है कि d एंड f ऑर्बिटल्स की ग्रुपिंग हमेशा सेपरेटली होगी, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर दिया, ग्रुपिंग का तरीका बता दिया, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, तो कई बार रूल्स पूछ लेते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको जो सेकंड रूल की बात करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड रूल में आपके पास याद रखना है हमने क्या कि शील्डिंग कहां से रहेगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग हो रही है, तो शील्डिंग कहां से हो रही है, स्क्रीनिंग कहां से हो रही है, ठीक है, वो देखना है। तो इनर इलेक्ट्रॉन ही आपके पास क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन की, बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो स्क्रीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। मेरा मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन मैं मतलब जिस जिस की ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं उसके अगर बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन नहीं करता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, आपको लॉजिकली पता है, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे स्क्रीनिंग हो भी नहीं सकती किसी किसके साथ, बाहर के इलेक्ट्रॉन जो है अंदर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्क्रीनिंग जो है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अब मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करने वाला हूं कि आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी रहती है किस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके पास मैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं और सेम ग्रुप में मैं बढ़ रहा हूं, सेम ग्रुप में मैं बढ़ रहा हूं, समझने का मतलब, बोलने का मतलब क्या है इसका, ये मैं आपको बता देता हूं। क्या जैसे कि अब आपके पास मैंने लिखा है 1s2 2s2 और उसके बाद 2p6, और मुझे कहा जाए कि 6th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इन दैट केस, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप क्या करेंगे, जो 6th इलेक्ट्रॉन, जो 6th मतलब सॉरी 6th नहीं 8th इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब पी में जो पी ऑर्बिटल में 6th इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो आपके पास 2p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो आपको यहां पे मैंने बोला सेम ग्रुप कौन सा है 2s और 2p, तो जो आपके पास सेम ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कि आपके पास 1s2 दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेम ग्रुप में, और सॉरी 2s2 जो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है सेम ग्रुप में, और अब आपके पास दूसरे आगे क्या है 2p में आपके पास कितने 5 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 0.35 एक्सटेंट तक आपके पास क्या करते हैं स्क्रीन करते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2p में, दैट इज क्या 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल। क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझ लेते हैं। देखिए, नीचे मैंने ऑर्बिटल बना दी, इन ऑर्बिटल्स में मैंने फिलिंग कर दी। अब देखिए, मैंने कहा कि आपके पास यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा पी ऑर्बिटल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2p में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, उसको स्क्रीन करेगा इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन कौन से थे 2p में, जो इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा कितने 5 इलेक्ट्रॉन बचे,
तो वो स्क्रीन करेंगे और आपके पास 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी स्क्रीन करेंगे। हालांकि स्क्रीन जो है 1s भी करेंगे, पर मैं उसकी बारे में बाद में बात करता हूं, पहले अभी मैं जो कर रहा हूं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं सेम ग्रुप की बात करने वाला हूं, तो स्क्रीन सेम ग्रुप को समझ लीजिए। तो सेम ग्रुप में आपके पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कितनी आई, 0.35। तो मीन्स टू से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन मोर है, एक को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मीन्स टू से आपके पास कितना हो गया, 5 + 2 = 7। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, 0.35। तो मैं क्या करूंगा, 0.35 इनटू क्या 7, जितना आपके पास रिजल्ट आता है उतनी स्क्रीनिंग वो क्या करेगा, जो बाहर जो 6th जो इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है उतना उसको स्क्रीन करेगा। तो आपको मुझे लगता है कि समझ गए होंगे इसको कि क्या किया मैंने, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्क्रीनिंग कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं, ये मैंने आपके पास बता दिया कि उन ऑर्बिटल्स की बात जो 1s से ऊपर है, ठीक है, जो 1s से ऊपर है, जैसे कि 2s, मतलब जिसमें n की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4, 5 जो भी है, ठीक है। लेकिन 1 जो आपके जो n की वैल्यू 1 है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है हमारे पास। क्या डिफरेंस रहता है उसको देख लेते हैं क्या, कि अगर आपके पास जो 1s ऑर्बिटल में अगर मैं स्क्रीनिंग की वैल्यू निकालता हूं तो उसमें सेम ग्रुप में जो कंट्रीब्यूशन आती है वो कितनी आती है, 0.30। क्या मतलब हुआ इसका, बड़ा सिंपल है कि अगर 1s2 में लिखूं तो आपके पास जो 1s2 है तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया, सेकंड इलेक्ट्रॉन आया 1s2, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्क्रीनिंग की वैल्यू निकालूंगा क्या अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, 0.30। तो मतलब आपके पास सेम ग्रुप में अगर फर्स्ट आपके पास n इक्वल टू 1 होगा तो इन दैट केस 0.30, और n इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास कंट्रीब्यूशन क्या आएगी सेम ग्रुप के लिए, 0.35। अभी मैं n इक्वल ग्रेटर देन क्या 1 बोला, ठीक है। थोड़ा सा एक दो चीजें और भी हैं, उसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, वो आप तभी समझेंगे जब मैं आगे रूल डिस्कस करूंगा। तो ये कितने हो गए, नेक्स्ट रूल हो गया ये, मतलब आपके पास जो मैंने अभी पिछला डिस्कस किया उससे। अब उसके अगला जो रूल करता हूं मैं, आपके पास n-1 भी ऑर्बिटल आ सकती है, n-2 भी आ सकती है, n-3 भी आ सकती है, तो इन दैट केस क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपके पास n-1 ऑर्बिटल्स आती है, ठीक है, n-1 ऑर्बिटल्स हमारे पास आती हैं, मतलब जैसे कि आपके पास मैं एग्जांपल करने कंसीडर कर लेता हूं 3s2 3p6, मेरे को बोल दिया कि 3p के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए मुझे स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो सिंपल है क्या, कि अब आपके पास जो सेम ग्रुप में है, तो सेम ग्रुप में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इंटू क्या हो जाएगा 0.35, ठीक है, वो तो क्लियर हो गया सेम ग्रुप में। लेकिन सेम ग्रुप के पीछे आपके पास कुछ एक ऑर्बिटल है जिसमें एन की वैल्यू क्या है, मतलब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, n-1, क्योंकि आपके पास एन क्या है वहां पे, देखिए जिसमें मैं निकाल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, एन की वैल्यू वहां पे 3। अब आपके पास जो सेकंड आपके पास जो ऑर्बिटल है सेकंड लेवल पे है उसकी वैल्यू क्या है n-1, तो n-1 के लिए जो कंट्रीब्यूशन आती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए वो कितनी आती है 0.85। समझ रहे हैं मेरी बात, कि अब आपके पास जो n-1 एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगी उसकी कंट्रीब्यूशन जो आएगी पर इलेक्ट्रॉन से कितनी आएगी 0.85। तो मतलब कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पे, देखिए जो 2s2 2p6 कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 0.85। तो ये आपके पास आ गया n-1 एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। अब आपके पास n-2 भी हो सकती है, n-2 क्या आ गई 1s, क्या आ गई n-2 में 1s, तो इन दैट केस अगर 1s है तो n-2 में कितनी आ जाती है कंट्रीब्यूशन, कितनी आती है 1.0। तो मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 1.0। तो मतलब आपके पास उतनी आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या रहेगी कंट्रीब्यूशन रहेगी, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्या, अगर आपके पास एटॉमिक और जिसमें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसमें आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं वैल्यू निकालने वाला हूं, जिसमें आपके पास मैं जिस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की मैं वैल्यू निकालने वाला हूं, जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उसके लिए अगर मैं वो कहां है आपके पास लास्ट में आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में थोड़ा आगे जा रहा है, ठीक है, तो आपके पास n-1 भी हो सकती है, n-2 भी हो सकती है, n-3 भी हो सकती है, n-4 भी हो सकती है। तो अगर आपके पास n-1 है तो उसके लिए 0.85, n-2 है तो 1.0, n-3 है देन आल्सो 1.0, n-4 है देन आल्सो 1.0। तो जो 0.85 के बाद के जो लेवल्स आएंगे ना
मतलब एन माइनस वन के जो लेवल आएंगे उसमें सब में जो कंट्रीब्यूशन आएगी 1.0 के ही थ्रू कंट्रीब्यूशन आएगी। तो होप सो आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट पॉइंट में क्या रहने वाला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट का मतलब आपके पास क्या है, जो डी एंड एफ ऑर्बिटल्स है उसके लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक अलग ग्रुप बने हैं तो इसमें क्या रहता है, जब आपके पास डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम ग्रुप में, तो आपको मैंने बोला है कि 0.35। बट अगर आपके पास क्या है डिफरेंट ग्रुप में है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैं मानू कि 3d क्या बोल दू 10 बोल दू, तो 10th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं आपके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो आपके पास देयर आर 9 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट, तो 9 इनटू क्या आ जाएगा 0.35, और आपके पास रिमेनिंग क्या बचेंगे, अब आपके पास 2 में 3s एंड 3p में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2s एंड 2p में इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जो आपके पास अगर d एंड f में अगर मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट करते हैं कितना 1.0। तो ये याद रखना है आपने कि जो आपके पास d और f ऑर्बिटल है वो थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती हैं, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन आती है स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है जो अलग ग्रुप्स बच रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रॉन से कितनी आती है 1.0। तो ये आपके पास क्या था स्लिटर ग्रुप। होप सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा इसका, अगर आपको नहीं लगा हो तो प्लीज बताना, हम कोशिश करेंगे इसको और तरीके से थोड़ा कुछ समझाने की। इसके बाद करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल ताकि आपको लग जाए पता कि हमने किया क्या, क्यों किया, ताकि आपके पास आपको इसका एप्लीकेशन भी समझ आ जाए कि इसकी एप्लीकेशन बेसिकली क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास था क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा हूँ कि मैं ऑक्सीजन एटम की बात करता हूँ तो आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है कौन से 8th इलेक्ट्रॉन में, जो ऑक्सीजन का 8th इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को अरेंज करने का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब आपके पास मैंने बोला 8th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है, मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट, पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी और फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जेड इफेक्टिव किसके बराबर था, जेड माइनस एस। ठीक है, आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट को एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिग्मा से भी, आपकी चॉइस है जिससे आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है मैंने अगर एस लिखा, तो अब आपके पास एस की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, जेड की वैल्यू मेरे पास है, जेड कितना है अब आपके पास यहाँ पे 8 है, क्योंकि अंदर आपके पास जो प्रोटोन है वो कितने होंगे 8 होंगे। तो देखिए, अब आपके पास अगर मुझे इसको करना है तो मैंने आपको रूल्स आपको पहले बताए हैं, तो मैंने कहा है कि अगर आपके पास एस निकाल रहा हूँ आपके पास, ठीक है, एस मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, अगर आपके पास सेम ग्रुप में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, मतलब 2s2 और 2p4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो 6 - 1 = 5, 5 इलेक्ट्रॉन स्क्रीन करेंगे 6th इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो स्क्रीन कर रहे हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, सेम ग्रुप में कर रहे हैं, तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी आएगी 0.35। तो 0.35 बाई 1 के लिए तो इंटू क्या आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, और आपके पास n माइनस 1 के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन आती है वो कितनी आ जाएगी, अब आपके पास n माइनस 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 1s2 बचा है, तो 1s2 में अब आपके पास कितने बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या होगा आपके पास, सिंपल है कि अब आपके पास अगर मैं निकालता हूं इसमें तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दैट इज 0.85 इंटू क्या 2, अब आपके पास दोनों को मैंने ऐड कर दिया आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों को ऐड करके जो आपके पास आंसर निकाला, इसको क्या करना है मेरे को, सिंपली सबट्रैक्ट करना है किससे, जेड से, दैट इज कितना है जेड मेरे पास यहाँ पे 8। तो जब मैंने ये सबट्रैक्ट किया देखो आपके पास, तो इजिली आपके पास जो आंसर आया, ठीक है, वो आपके पास मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था कि क्या आपने क्या किया, जेड इफेक्टिव निकाल लिया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू सिंपली जो स्लेटर रूल है उसके थ्रू निकाल लिया, या 2-3 वैल्यूज जो पंक्ति उनके थ्रू हमने क्या कर लिया, जो जेड इफेक्टिव है वो निकाल लिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज क्लोरीन की बात करते हैं, अगर 17th इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, अगर मैं उसकी स्क्रीनिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालता हूँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं निकालने के लिए आपको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें, सिंपल वैसे ही अब आप करने वाले हैं क्या, कि आपने क्या लिख दिया 1s2 एक ग्रुप हो गया,
तो तीन ग्रुप हमारे पास यहाँ पे बन गए। आपको पता है देर आर 17 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटोन भी कितने होंगे उसमें, 17 होंगी, तो Z की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई वहां पे, 17 आ गई। मेरे पास S नहीं निकाला है अभी आपके पास, S मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट नहीं निकाला है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सेम ग्रुप के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो आपको बोला मैंने कितने 17 इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है। तो लास्ट जैसे दैट इज जो लास्ट जो ग्रुप है दैट इज जिसमें मैं ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूँ वो कौन है, 3s2 3p2। तो मतलब आपके पास 13 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7th इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 7th इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 7 - 1 = 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है स्क्रीन करेंगे किसको, जो आपके पास 7th इलेक्ट्रॉन है उसको। तो आपका सेम शेल में जो कंट्रीब्यूशन आती है कितनी आती है, वो आती है आपके पास कितनी, 0.35। तो 0.35 इनटू क्या हो जाएगा, 6, एक हो गया, एक ग्रुप मैंने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा ग्रुप सॉल्व करना है मेरे, तो दूसरा ग्रुप में अगर सॉल्व करता हूं तो दूसरे ग्रुप में क्या करता हूं आपके पास देखिए, अब आपके पास n-1 ऑर्बिटल की बात करता हूं, n-1 में आ गई 2s2 2p6। तो 2s2 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है n-1 के लिए जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन से आती है पर इलेक्ट्रॉन से कितनी आती है, 0.85। तो क्या हो गया, 8 × 0.85, ये सेकंड ग्रुप सॉल्व कर लिया। थर्ड ग्रुप को सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड ग्रुप में आपके पास क्या है, 1s2। आपको पता है n-1 से पीछे जो भी ऑर्बिटल्स आएगी, n-2 n-3 n-4 जो भी आएंगी उसमें भी कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी, 1.0 आएगी। तो मतलब 2 × 1, तीनों ग्रुप्स की जो वैल्यूज आई उनको मैंने ऐड कर लिया, तो क्या आ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास सॉरी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, नॉट इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड जो है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है एक्सप्रेस्ड है किसके टर्म में, मतलब स्क्रीनिंग कॉस्ट सॉरी स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एक्चुअल में वो स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपके पास मैंने क्या निकालना है, अब आपके पास निकालना है क्या, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव कैसे, 17 माइनस जो आपके पास वैल्यू आई मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, आपके पास ठीक है। तो आप इससे समझ जाएंगे कि क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको काफी हद तक इसका आइडिया लग गया होगा, अगर नहीं लगा हो तो प्लीज बता देना, कोशिश करेंगे हम इसको अच्छे से सॉल्व बताने की फिर से, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।